नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई कैबिनेट मंत्री में किनको कौन सा विभाग मिला है पूरा लिस्ट यहाँ पर देखते हैं। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हैं, है ना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और ये लगातार तीसरी बार दूसरे प्रधानमंत्री है, यानी कि इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके बाद दूसरा ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने हैं। अब रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही थे और अभी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही बने हैं। ठीक है, तो और गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह पहले भी थे, अभी नए में भी गृह मंत्री अमित शाह ही बने हैं। तो गृह मंत्री कौन है अभी, तो अमित शाह को ही मिला है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, पहले भी यही थे। ठीक है, और जेपी नड्डा की बात करें, ये नए चेहरे हैं जो कि मंत्रालय इनको मिला है, ये बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे, तो ये बने हैं स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन बने, जेपी नड्डा बने हैं। नेक्स्ट आपका है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको बनाया गया है कृषि मंत्री, है ना। कृषि मंत्री कौन बने हैं, शिवराज सिंह चौहान बने हैं। और वित्त मंत्री कौन बने, तो निर्मला सीतारमण, जो कि पहले भी यही थे, है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि पहले भी थे, इनको फिर विदेश मंत्री बनाया गया है एस जयशंकर को। नेक्स्ट है आपका मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर बने क्या, शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट आपका है एच डी कुमार स्वामी, ये बने भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय, भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय किसे मिला है, एच डी कुमार स्वामी को मिला है। वाणिज्य मंत्री कौन बने, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बने हैं। और शिक्षा मंत्री कौन बने, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी पहले भी ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कौन बने, धर्मेंद्र प्रधान बने। जीतन राम मांझी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, है ना, जीतन राम मांझी इनको मिला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी कि एमएस यानी एमई जो मंत्रालय ये बना है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने, जीतन राम मांझी बने हैं। नेक्स्ट है ये भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपका है ललन सिंह, है ना, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है, पंचायती राज मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय मिला है ललन सिंह को। ये मंत्रालय पहले किसके पास था, गिरिराज सिंह के पास था, तो गिरिराज सिंह का जो मंत्रालय था पंचायती राज मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है ललन सिंह को। और सर्बानंद सोनोवाल बने हैं जहाज रानी मंत्री, ठीक है, जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। और वीरेंद्र कुमार को मिला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने, वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने, राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री पहले कौन थे, वो थे ज्योतिराज सिंधिया, है ना, ज्योतिराज सिंधिया थे, अब बने हैं कौन, राम मोहन नायडू, है ना। तो नए कैबिनेट मंत्री में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने, राम मोहन नायडू। फिर है आपका प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी को ये बनाया गया उपभोक्ता मंत्री और नवीन ऊर्जा विभाग मिला है प्रहलाद जोशी को, है ना, उपभोक्ता मंत्री और नवीन ऊर्जा विभाग प्रहलाद जोशी के पास है। फिर है आदिवासी मामलों के मंत्री कौन बने, जुएल ओराव, है ना, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराव बने हैं। कपड़ा मंत्री कौन बने, गिरिराज सिंह, है ना, गिरिराज सिंह बिहार से है, ये कपड़ा मंत्री बनाया गया गिरिराज सिंह को। नेक्स्ट आपका है अश्विनी वैष्णव, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब चेहरे हैं, अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री पहले भी थे और अभी भी रेल मंत्री बनाया गया है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ही बनाया गया है। अब ज्योतिराज सिंधिया का इनका विभाग बदला गया है, ये पहले क्या थे, नागरिक उड्डयन मंत्री, अब क्या बन गए, टेलीकॉम मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास का मंत्रालय, है ना, टेलीकॉम मंत्रालय और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास का मंत्रालय किन्हें मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। अच्छा, पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये भूपेंद्र यादव बने, पहले भी यही थे, है ना, पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने, गजेंद्र सिंह शेखावत, कला पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन बने,
गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट आपका है महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये कौन बने? अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बने। फिर है आपका संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, तो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने कौन? गिरिराज, ये किरण रिजिजू है ना, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू बने हैं। पेट्रोलियम मंत्री कौन बने? हरदीप सिंह पुरी है ना, पेट्रोलियम मंत्रालय किन्हें मिला है? हरदीप सिंह पुरी को मिला है। मनसुख मांडविया है ना, ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं लेकिन अब इन्हें बनाया गया है श्रम और रोजगार और खेल मंत्रालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामों में ये पूछा जाता है ना। खेल मंत्री कौन बने? तो मनसुख मांडविया बने हैं, मनसुख मांडविया खेल मंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपका है जी किशन रेड्डी, इन्हें कोयला एवं खान मंत्रालय मिला है। कोयला एवं खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी और चिराग पासवान, सबसे युवा चेहरा और सबसे कम उम्र के मंत्री इस कैबिनेट में बने हैं चिराग पासवान। ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बने हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने चिराग पासवान। और फिर आपका सी आर पाटिल, ये जल शक्ति मंत्रालय मिला है इनको है ना, जल शक्ति मंत्री कौन बने? सी आर पाटिल है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और राज्य मंत्री बने हैं है ना, इसको देख लीजिएगा। तो आपको मेन ज़्यादा पूछा जाता है आपका मेन ऊपर वाला सब याद रखना है ना। टोटल कितना 31 है जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, और 30 कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इतने आपको याद रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।